धार जिले के पीथमपुर में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रथम चरण शुरू कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करवाया गया। पीथमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर एन के खांडे को कोरोना की प्रथम वैक्सीन लगाई गई। बुधवार सुबह से शुरू हुए वैक्सीनेशन में अब तक 71 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। वहीं BMO चमनदीप अरोड़ा ने बताया कि प्रथम चरण का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जिसमें संबंधित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। आज शुरू हुए टीकाकरण में 100 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अभी प्रथम चरण में टीका आम लोगों तक नहीं पहुंच सका है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष कविता संजय वैष्णव ने भी खुशी जाहिर करते हुए टीकाकरण का समर्थन किया। सभी ने अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की सलाह दी है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। आज पहले चरण का टीकाकरण प्रारंभ हुआ है। इस फेज में हम लोग, हमारे यहाँ के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, हॉस्पिटल में जो कार्यरत स्टाफ है, उन लोगों को टीकाकरण कराएंगे। इसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनके भी स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण यहाँ पे किया जाए। सर, कितने चरणों में होगा ये पूरा? ये अभी तो 3 दिवस तक होगा। इसके अलावा ये 3 चरणों में होना है। फर्स्ट फेज में स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा, उसके बाद में आपके पुलिस कर्मी और राजस्व विभाग के लोगों को, उसके बाद ये वैक्सीनेशन लोगों तक पहुँचे। सर, प्रथम अभी किन को लगाया? सर, अभी प्रथम में डॉक्टर NK खांडे और इसके अलावा बाकी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन लोगों को लग रहा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लग रहा है। इनमें टोटल 386 लोगों को टीकाकरण। सर, आप वैक्सीन के बारे में बता रहे थे कि 4 घंटे तक यूज़ किया है उसे। ये वैक्सीन वे शुरू जब वायल खोलते हैं, एक वायल में 10 डोज है। 10 डोज जिस समय हम खोलते हैं उसमें हमें तारीख डालना होती है और इसके अलावा उसमें टाइम डालना होता है। 4 घंटे बाद ये वैक्सीन ख़राब हो जाता है, इसलिए 4 घंटे के भीतर हम लोग ऐसे लोग देखते हैं कि 10 लोग होते हैं तो ही हम इस वैक्सीन का उपयोग करते हैं। सर, आपका नाम और पद बता। डॉक्टर चमनदीप सिंह अरोरा, BMO नालचा। आज बहुत हर्ष का दिन है कि पीथमपुर हॉस्पिटल में आज कोविड का टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है और आज 100 लोगों को टीका लगेगा और 3 दिन तक ये टीके की प्रक्रिया चलती रहेगी। उससे आप कोरोना से बचाव हो सकेगा और फिर भी आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारा मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों का पालन कीजिए। मास्क लगा के रखिए और सुरक्षित रहिए, अपना सैनिटाइजर का उपयोग करिए, दूरी बनाकर रखिए और सभी नियमों का पालन कीजिए। और मैं सभी, और 3 दिन तक लगेगा, उसके बाद आज कार्यकर्ताओं को लग रहा है 3 दिन तक ये कोविड की प्रक्रिया चलती रहेगी और उसके बाद पुलिस कर्मियों को लगेगा और इससे अपने कोरोना से बचाव हो सकेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण का उपयोग लीजिए, वैक्सीन का उपयोग लीजिए, ध्यान रखिए, मास्क का उपयोग करिए और मैं सभी स्वास्थ्य कर्मी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।